हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसबी व्लॉग्स। मैं हूँ सृष्टि कसार। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। एक्चुअली मेरी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग्स स्टार्ट किया जाए, जिससे मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कुछ न्यू चीज़ें आने वाली हैं, तो मैं आपके साथ उन चीज़ों को शेयर करूँ। तो आज है सैटरडे और आज हम सब जाने वाले हैं, मींस हम, मेरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी एक डॉटर है 3 इयर्स की। हम लोग आज वीकेंड है तो थोड़ा सा बाहर जाने वाले हैं। मेरी सोसाइटी में एक पार्क है, अर्बन पार्क, तो हम वहाँ जाने वाले हैं ताकि थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। इनका आज ऑफिस का ऑफ होता है, तो ऐसे वीकेंड में कहीं चले जाओ तो शनाया भी बहुत इन्जॉय करती है। तो मैं, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ नीचे और अभी हम जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। एक्चुअली गार्डन बहुत पास में ही है, लेकिन शनाया के साथ वॉक करके जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम बाई कार जाएंगे। तो ये हम बैठ रहे हैं अब कार में और अब हम निकलेंगे पार्क। हम आ चुके हैं अर्बन पार्क। ये मेरे पीछे यहाँ पे है अर्बन पार्क, तो हम बस एंटर कर रहे हैं अभी। यहाँ एक्चुअली जाने के लिए अंदर, अदर जो कैंपस के बाहर के लोग हैं, सोसाइटी के बाहर के लोग हैं, वो नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप इस सोसाइटी में ही रहते हैं तो ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो अभी ये एंट्री कर रहे हैं और फिर हम लोग पार्क में अंदर जाएंगे। हेलो किया, कहाँ हो आप? अर्बन पार्क। अरे वाह, हाँ गाइस, तो हम आ चुके हैं अर्बन पार्क के अंदर। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। अब देखिए, बहुत सारे यहाँ पे ना रोजेज लगे हुए हैं, बहुत यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली बहुत ग्रीनरी कर रखी है, चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, तो वेदर बहुत अच्छा होता है, हवा बहुत अच्छी होती है, तो पूरा वीक डेज की थकान है ना, वो निकल जाती है यहाँ की। और यहाँ देखिए, मैं और किया आराम से झूला झूल रहे हैं। एक्चुअली आप वर्किंग हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है, पर लेकिन उसके साथ बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की खुशी इसी में होती है कि उनके मम्मी पापा उन पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। देखिए, आप किया की खुशी देख के यहाँ पे समझ सकते हैं।
इसलिए कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाने में ही भलाई होती है। किया वहाँ पीछे प्ले जोन एरिया में खेल रही है और मैं और ये साथ में अभी वॉक कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है। ये जो मेरा चैनल था पहले फूडी क्रश नेम से था और मैं उसमें कुछ रेसिपीज़ के वीडियो पोस्ट किया करती थी। तब मैंने अराउंड 20 वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड किए थे फूडी क्रश में। लेकिन हुआ क्या, तब मुझे शनाया कंसीव हो गई थी तो उसके वजह से मेरे से उस टाइम मुझे खाना बनाते नहीं हो रहा था, तो मैंने वो वहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ नया करना था तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। तो फिर मैंने अभी इसलिए जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो मैंने स्टार्ट किया है अभी, और इसलिए मैंने अभी अपने जो चैनल का नेम चेंज करके फूडी क्रश को चेंज करके एसके व्लॉग्स कर दिया। एसके मीन्स सृष्टि का सार। एक्चुअली ना मेरी व्लॉगिंग करने का एक और रीज़न ये भी था कि शनाया बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते जा रही है, टाइम तो ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए और उसके साथ इसकी क्यूट क्यूट मोमेंट्स को भी कैप्चर्ड कर लिया जाए, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो हम इस मोमेंट्स को बाद में एंजॉय कर सकते हैं। एक बात और, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका ना पेरेंट्स के साथ बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है और वो हम पे ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं। क्या ये मेरी बात सिर्फ मुझे ही ऐसे लग रहा है कि आपको भी लगता है ऐसा, तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरा सोचना सही है। वॉक करते काफ़ी टाइम हो चुका है, किया भी बहुत एंजॉय कर चुकी है, फुटबॉल भी उसने खेल लिया है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज डिनर बाहर ही कर लिया जाए क्योंकि अब बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक एरिया है वाकड़, वहाँ पे चौपाटी है तो हम लोग वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ हमको ना सोया चाप बहुत पसंद है और यहाँ बहुत रेयर एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ अच्छा खाने को मिलता है, वो भी स्ट्रीट फूड। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज वाकड़ जाके चौपाटी में सोया चाप और आलू टिक्की खाई जाए। तो यहाँ पे ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर ना बेंचेस लगी हुई हैं और उसमें ऊपर से सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। तो यदि आपको दिखे, मैं दिखाती हूँ, तो यदि आपको यहाँ पर बैठ के काम करना है या आपके घर में लाइट गुल हो गई है तो आप यहाँ पर आके बढ़िया आराम से बैठ सकते हैं और
अपने ऑफिस का वर्क भी कर सकते हैं। और कभी कभी होता है घर में बोर हो रहा है, बहुत वेदर अच्छा है, और यदि आपको बाहर आके काम करना है तो आप यहाँ पीछे देखिए सोलार पैनल्स और स्टडी टेबल्स और एंड चेयर्स लगी हुई हैं, और कनेक्टिंग आपका यदि लैपटॉप को चार्ज करना है तो उन सब के लिए वायरिंग दी हुई है, तो आप यहाँ पे बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं। इतनी भाग दौड़ की लाइफ में यदि सोसाइटी कैंपस के ही अंदर इतनी अच्छी एमिनिटीज़ मिल जाए, इतना सुकून मिल जाए, तो इसकी तो बात ही कुछ और है। एक्चुअली पुनेरीज इस बात से मेरी रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसी रही हमारी आज की शाम, साथ में वॉक किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, खूब सारी बातें की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किया को खुश किया, क्योंकि उसको हमारे साथ खेलना बहुत पसंद है और वीकडेज में इतना सब कर पाना पॉसिबल नहीं होता। देखिए सूरज ढल चुका था और हम निकल चुके थे चौपाटी जाने के लिए। चौपाटी और यहाँ पे थोड़ा रश था जिसकी वजह से हम लोग ने अपना जो जो खाना खाना था वो सब पैक कराया और फिर निकल गए घर के लिए, ताकि घर में आराम से बैठ के अपना डिनर एंजॉय करेंगे। लेकिन हमको क्या पता था कि इतना ज़्यादा आज हमको ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे और उसकी वजह से पूरा मूड ही ऑफ हो गया। वैसे हम नॉर्मली ऐसे नॉर्मल टाइम पे बाहर निकलते ही नहीं हैं, आफ्टर 9 ही बाहर जाना प्रेफर करते हैं ताकि ट्रैफिक से बच सकें। फाइनली हम घर आ चुके हैं। जो 10 मिनट्स का रास्ता था वो हमको क्रॉस करने में 50-60 मिनट्स लग गए, और उसके वजह से अब बहुत थकान भी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पुणे में इस बार। तो ये था मेरा आज का फर्स्ट व्लॉग। आप सभी को मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अब मेरे व्लॉग्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे कंटेंट को देख सकें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलेंगे हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।